हेलो फ्रेंड्स, ये रेड लाइन है वो ईएमए 20 डेज की लाइन है, ये ब्लू लाइन है वो ईएमए 50 डेज की लाइन है। निफ्टी इज मेकिंग ऑल टाइम हाइस। निफ्टी जिस तेजी से ऊपर गया है उस तरह की तेजी मैं पहली बार देख रहा हूँ। करेक्शन तो आया ही नहीं, मार्केट सिर्फ वन साइड चली है। ऐसी सिचुएशन में अगर रिवर्सल होता है तो इन्वेस्टर्स को नुकसान भी बड़ा ही होता है। यहाँ पर मूविंग एवरेज का बेरिश क्रॉसओवर देख सकते हैं। ईएमए 20 ने ईएमए 50 को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया, यानी कि एक बेरिश क्रॉसओवर पैटर्न बनी है। ये होने के बाद प्राइसेस नीचे जा सकती है। जो मूविंग एवरेज देखकर ट्रेडिंग करता है वो यहाँ पर बेचेगा, शॉर्ट सेलिंग करेगा। मार्च 2020 से जो भी न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने 1.5 साल सिर्फ तेजी देखी, पैसा भी बनाया, मंदी का एक्सपीरियंस उनको नहीं था, अब पैसे टूटने की शुरुआत हुई है। यहाँ पर एक अपमूव देख सकते हैं, प्राइस तेजी से ऊपर उठी। मुझे लगता है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाइंग की और उनमें से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स बेच नहीं पाए हैं। यहाँ से यहाँ तक जिसने भी लिया वो आज लॉस में है। अगर किसी और स्टॉक के लिए आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो आप YouTube सर्च में लिखें CA प्रशांत शाह और शेयर का नाम। जैसे आपको रिलायंस का वीडियो सर्च करना है तो CA प्रशांत शाह रिलायंस और सर्च करें, आपको ऐसी ही वीडियो मिल जाएगी। कल प्राइस के नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, 2-3 दिनों का टारगेट। थैंक यू।